नेताओं से अखिलेश की मुलाकात का सिलसिला जारी है। अखिलेश कहीं ना कहीं सरकार पर बदले की सियासत के मुद्दे को तूल देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि अखिलेश ने इस बार झांसी पहुंचकर पिछले 3 महीने से जेल में बंद पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मुलाकात की। 40 मिनट तक जेल में मुलाकात के बाद अखिलेश ने सरकार पर बदले की सियासत का आरोप लगाया। वो जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रही है। दरअसल दीप नारायण कस्टडी से लेखराज को छुड़ाने और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में जेल में बंद है। जानकारों की माने तो अखिलेश की जेल यात्रा के पीछे कई वजह है। मुश्किल में नेताओं का साथ देकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, सपा वोटर्स को एकजुट कर निकाय चुनाव को लेकर संदेश देना, 2024 चुनाव की रणनीति पर काम करना, भाजपा पर बदले की सियासत के मुद्दे को उठाना, यही वजह है कि उन्होंने दीप नारायण से पहले 19 दिसंबर को कानपुर जेल में इरफान सोलंकी से मुलाकात की। इसके अलावा 23 अगस्त को आजमगढ़ जेल में रमाकांत यादव से भी मुलाकात की थी। हालांकि अखिलेश की इस रणनीति पर भाजपा भी हमलावर है। पहले अखिलेश यादव जेल में जा रहे हैं लगातार अपने विधायकों से और नेताओं से मिलने, तो वो भी कुछ दिन बाद जेल जाएंगे। अभी देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जेल जेल घूम रहे हैं और हमारी पार्टी अपराध पर जीरो टॉलरेंस के तहत आगे बढ़ रही है। तत्कालीन सरकारें दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने का काम करती थी। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यूपी में कांग्रेस बड़ा दांव चलने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी से यूपी में प्रवेश करने वाली है। उससे पहले कांग्रेस ने सपा बसपा रालोद और सुभासपा को यात्रा में आने को न्योता देकर विपक्ष को साथ लेने की कोशिश की है। उन दलों को निमंत्रण दिया है जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो यूपी में विपक्ष के साथ आने से समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि यूपी में सभी दलों का अपना अपना वोट बैंक है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सपा बसपा रालोद सुभासपा को यात्रा में आने का न्योता जातिगत गुणागणित से फायदेमंद हो सकता है। यूपी में भाजपा का करीब 50% वोट बैंक है। ऐसे में विपक्ष एक हुआ तो भाजपा को चुनौती मिल सकती है। हालांकि यूपी में भाजपा के विपक्षी दलों का कांग्रेस के साथ आना मुश्किल है। यही वजह है कि विपक्षी नेता अभी खुलकर पत्ते नहीं खोल रहे। अभी मुझे कोई इनविटेशन नहीं मिला। हम अपने नेताओं को समझाएं कि हमारे नेता तैयार हो जाएंगे तो उनके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हो सकते हैं। अगर कांग्रेस की ये कोशिश सफल रही तो ये बड़ा राजनीतिक मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि भाजपा इसे सीरियसली नहीं ले रही है। न्योता दे चाहे न्योता ना दे, वो सब जुड़े हुए हैं आपस में। भाजपा के खिलाफ सब एक हैं, मोदी जी के खिलाफ एक हैं, हम जानते नहीं। यूपी में निकाय चुनाव पर अभी अदालत का फाइनल फैसला आना बाकी है, लेकिन कोर्ट के फैसले के इंतजार के साथ साथ भाजपा निकाय चुनाव की रणनीतियों पर पूरी मजबूती के साथ मंथन कर रही है। लखनऊ में भाजपा की अहम बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। इस बैठक में यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, अलग अलग प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पार्टी संगठन के अभियानों की समीक्षा के साथ साथ सभी 7 मोर्चों की भी समीक्षा की गई। आगामी क्या कार्यक्रम होंगे पार्टी के, नए साल में तमाम सारे अभियान चलाए जाने हैं, उसको लेकर भी आज प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ चर्चा हुई है। इस मीटिंग में भाजपा ने यह तय किया कि अगर अदालत का फैसला जल्द चुनाव कराने के पक्ष में आता है तो पार्टी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर देगी। और जैसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा, हम अगर चुनाव अभी होता है बहुत जल्दी तो हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव में चले जाएंगे। दरअसल 12 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। इस मामले में अब 27 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। यूपी नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बेशक अभी स्टे बरकरार है, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। दिल्ली पंजाब के बाद गुजरात विधानसभा और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी ने अब यूपी के निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है और निकाय चुनाव में यूपी के सभी सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान किया है। कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो जाति धर्म में जकड़ी है, इसको आप ही बचा सकते हैं और इसको बचाने के लिए आपको हाथ में झाड़ू लेनी पड़ेगी। नगर निकाय चुनाव में परचम लहराने के लिए आम आदमी पार्टी यूपी में 1 जनवरी से सेल्फी विद कूड़ा अभियान चलाकर सरकार पर हमला बोलेगी। 10 दिन तक हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ की यात्रा निकाली। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने यूपी सरकार को घेरा और गड़बड़ी के आरोप लगाए कि परसीमन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने गड़बड़ी और धांधलीबाजी की है, जिसके कारण से इतनी सारी याचिकाएं हाई कोर्ट के सामने पहुंची। आपको बता दें कि यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारी कर रखी है। हालांकि चुनाव की तारीखों पर कोर्ट से ओबीसी आरक्षण पर फैसला आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कानपुर पुलिस ने सपा विधायक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है। थाना जाजबाऊ पुलिस ने SP MLA इरफान सोलंकी समेत 5 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी,
इसराइल आटावाला और मोहम्मद शरीफ के नाम हैं। इन सभी लोगों पर दूसरे की जमीनों पर कब्जा करने, जमीन से बेदखल करने और लोगों को जमीनों को गलत तरीके से हासिल करने के आरोप हैं। इतना ही नहीं, इरफान पर 3 नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इरफान पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और ड्यूटी के दौरान पुलिस उप निरीक्षक से अभद्रता, बदसलूकी, दुर्व्यवहार करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए अराजक स्थिति उत्पन्न करने के संबंध में मामले दर्ज किए गए हैं। तीसरा मुकदमा पुलिस कर्मी के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार करने, कार्य में बाधा डालने और उनके साथ जो है उनके सरकारी कार्यों में पूरी तरह से गतिरोध पैदा करने से लेकर के है, जहां पे अव्यवस्था फैल गई थी, जो कि ग्वालटोली थाने में दर्ज किया गया। इरफान सोलंकी बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय नागरिकता दिलाने समेत प्लॉट विवाद, आगजनी और फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के विभिन्न मामलों में महराजगंज जिला जेल में बंद है। गाजियाबाद में आरएसएस के कार्यक्रम में हुए विवाद के बाद अब सियासी बवंडर खड़ा हो गया है और पुलिस सवालों में आ गई है। दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज करने को लेकर लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्रॉस एफआईआर किए जाने पर विधायक ने सवाल खड़े किए हैं। जब आरएसएस के जो स्वयं सेवक है, जो समाज के लिए दिन रात काम करते हैं, उनके ऊपर उल्टा 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। अब नंदकिशोर गुर्जर ने सीएम योगी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से पुलिस की शिकायत करने की बात कही है। दरअसल कल आरएसएस के कार्यक्रम में विवाद हुआ था। गुरु गोविंद सिंह साहिबजादों के बलिदान दिवस पर संघ ने बाल पथ संचालन किया था। आरोप है स्कूटी निकालने को लेकर राष्ट्रीय लोकदल से मेयर पद के दावेदार अरविंद तेवतिया के जानकारों ने आरएसएस कार्यकर्ताओं से मारपीट की, जिसके बाद कबीरनगर थाना पुलिस ने अरविंद तेवतिया और उनके बेटे को हिरासत में लिया। लेकिन रालोद के एक तरफा कार्रवाई के आरोपों पर पुलिस ने भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल समेत संघ के कई पदाधिकारियों पर भी संगीन धाराओं में केस दर्ज किया। इस बार जो है, जो विचारधारा के जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं वो उससे ग्रसित जो मानसिकता के सपा और बसपा के एजेंट के जो अधिकारी हैं, धीरे धीरे तो दिमाग ठीक होगा, एकदम तो सुधर नहीं जाएंगे। पुलिस के एक्शन से स्थानीय भाजपा नेताओं में नाराजगी है और अब विवाद की गूंज लखनऊ तक पहुँच गयी है। और अब देखते हैं उत्तराखण्ड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली और ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से पारा लगातार गिरता जा रहा है। सड़कों पर सफेद चादर बिछी है, जहां तक देखेंगे वहां तक सड़कों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। पेड़ पौधे हो या मकान, सभी पर बर्फ ने अपना बसेरा बना लिया है। भारी बर्फबारी की ये तस्वीरें गंगोत्री धाम सहित हर्षिल घाटी की हैं, जहां लगातार 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से तापमान लगातार गिर रहा है। हर्षिल घाटी में ये सीजन की पहली बर्फबारी है। लगातार बर्फबारी से हर्षिल घाटी में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। सर्द हवाओं की वजह से पहाड़ से मैदान तक ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में कहीं कहीं हल्की वर्षा और दूसरे जगहों पर भी बर्फबारी हो सकती है और तापमान में भी गिरावट आने के आसार हैं। आने वाले समय में चमोली, पिथौरागढ़ समेत आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। इसके साथ ही प्रदेश के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। इधर काशीपुर समेत कई इलाकों में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखा। कड़ाके की ठंड में लोग घरों में दुबके रहे तो राहगीरों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। में भले ही अभी पुलिस की जांच चल रही है, एसआईटी चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है, लेकिन इस मसले पर सियासत अब चरम पर है। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत पार्क के बाहर उपवास और धरने पर बैठे। हरीश रावत का ये धरना मंगलवार दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा। हरीश रावत ने जांच पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की। इस एक दिन के उपवास में सीपीआई, सीपीएम और दूसरे संगठन भी शामिल हुए। वीआईपी नहीं आया था, वहाँ एक कक्ष है वीआईपी, उसमें आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वीआईपी कहा जाता है। उस वीआईपी को बचाने का, ताकि वो न्यायिक प्रक्रिया से और लोगों की नज़र से बच सके, ये प्रयास तो नहीं है। हरीश रावत के धरने पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पलटवार किया और कहा कि सरकार अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। आपने उनको कहाँ टिकाऊ पाया है? आप यदि देखेंगे तो उनके धरना प्रदर्शन केवल और केवल, मैं समझती हूँ कि मीडिया में रहने का एक माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दरअसल अंकिता का शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर में मिला था, जिसके बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है, जिसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी हस्ताक्षर शामिल हैं। मेरठ में कल से 1 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। मेरठ के सभी स्कूलों में 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टी रहने वाली है। बड़ी खबर आपको बता दें, ठंड के चलते कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की छुट्टी। बढ़ते ठंड को लेकर डीएम दीपक मीणा ने ये आदेश जारी किए हैं।
कल से लेकर 1 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी रहने वाली है। मेरठ के सभी स्कूलों में 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक की छुट्टी रहेगी। कोरोना से चीन में तबाही को देखते हुए भारत में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अलग अलग हिस्सों से अब तक 6 से अधिक लोग संक्रमित मिले हैं, लिहाजा अब यूपी सरकार तैयारियों को परखने के लिए मॉकड्रिल चलाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। आगरा जिले में चीन से लौटा एक यात्री संक्रमित पाया गया, जिसके बाद पूरा महकमा अलर्ट मोड में है। तैयारियों को परखने के लिए मंगलवार को यूपी के सभी चिकित्सा संस्थानों, सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में सरकार मॉक ड्रिल करने जा रही है। मॉक ड्रिल के तहत ऑक्सीजन की उपलब्धता, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ समेत सभी मूलभूत सुविधाओं को निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल के तहत परखा जाएगा। कोविड प्रबंधन के सारे संसाधन जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और हमारे वेंटिलेटर्स हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ जो चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या हमारे चिकित्सक हैं, सभी लोग एक साथ उपस्थित होंगे और सभी उपकरणों को स्टाफ के साथ हम जांचेंगे। दरअसल पिछले 4 दिनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 22 दिसंबर को कोई नया मामला नहीं था। 23 दिसंबर को एक नया केस सामने आया, जबकि 24 दिसंबर को 5 गुना अधिक यानी कि 5 केस सामने आए। वहीं 25 दिसंबर को 8 लोगों में संक्रमण पाया गया, मतलब 4 दिनों में कोरोना की चाल औसतन 4 गुना से भी ज्यादा तेज पाई गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में चीन से आया युवक कोरोना संक्रमित मिला है। केस मिलने के बावजूद लोग कितने सतर्क हैं, ये जानने के लिए जब एबीपी गंगा की टीम ने रियलिटी चेक किया तो लोगों की सतर्कता का सच सामने आया। ये है आगरा का कबीर चौरा अस्पताल, जिसकी दीवारों पर साफ साफ लिखा है कि कोरोना अभी गया नहीं है, सतर्कता बरते। बावजूद इसके यहाँ बहुत कम लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आया। न अस्पताल आने वाले लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और न ही हॉस्पिटल के ज्यादातर स्टाफ। अब चूंकि कैमरा चला तो देखिए, कोई अपना रुमाल मुंह पर बांध रहा है, कोई कुछ, और देखिए बच्चे को लेकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन लापरवाही का आलम देखिए कि शायद इन्हें ना तो कोरोना से डर लग रहा है, ना कोरोना की इस बढ़ती आहट से डर लग रहा है। कमोबेश आगरा जैसी ही तस्वीर मेरठ के जिला अस्पताल में भी देखने को मिली। यहाँ भी ज्यादातर लोग लापरवाह दिखे। इलाज के लिए अस्पताल पहुँचने वाले मरीज और उनके तीमारदार ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी लापरवाह नजर आए। डॉक्टर साहब मास्क कहाँ है आपका? मास्क लगा लूंगा भाई। आप तो देखिए ना, सब लोग लगाए हुए हैं। आप मास्क जो है से दम घुटता है। अच्छा, बाकी सब लोग तो लगाए हुए हैं। जाहिर है चीन में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए दुनिया सतर्क हो गई है। कई देशों में पाबंदियों का दौर फिर से शुरू हो चुका है। ऐसे में इस वक्त थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। मुख्तार अंसारी के मामले में पंजाब जेल के अफसर भी नपेंगे, क्योंकि अब ईडी ने जेल में बंद मुख्तार के मददगार अफसरों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर दी है। दरअसल ईडी की जांच में सामने आया कि पंजाब जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी ने जमकर वसूली की थी। ईडी को इस बात का शक है कि ये पूरा खेल जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया। अब ईडी पंजाब जेल के अफसरों को समन भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। मुख्तार अंसारी से आज ईडी की टीम ये जानना चाह रही है कि आखिरकार जब वो पंजाब की जेल में था या उससे पहले योगी सरकार से पहले जब वो बांदा जेल में था तो कौन कौन से जो पुलिस या जेल के अधिकारी हैं उनसे उनकी मिलीभगत थी, कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी थे जिनके साथ उसके संबंध थे। मुख्तार अंसारी की रिमांड का 13वां दिन है। 14 दिसंबर से ईडी की कस्टडी में है मुख्तार। मुख्तार 28 दिसंबर तक रिमांड पर रहेगा। पूछताछ के बाद ईडी चार्जशीट दाखिल करेगी। मुख्तार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। जाहिर है अब ईडी की जांच मुख्तार के साथ साथ मदद करने वालों पर भी घूम चुकी है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम के बाहर लापरवाही को लेकर प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है। लगातार खबर दिखाए जाने के बाद भी किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आलम यह है कि अभी भी धाम के बाहर तैनात पुलिसकर्मी वीआईपी ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं, जबकि यातायात व्यवस्था चरमरा रही है। सामने देखिए, ये वीआईपी गाड़ियों का जो जत्था है वो किनारे पर खड़ा है। बाहर जाम से लोग कहीं ना कहीं जूझते रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन इन गाड़ियों पर न तो कोई लगाम है और न ही कोई अंतर है। आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ धाम में जिस गेट नंबर 4 से अंदर एंट्री होती है वहां सरकारी गाड़ियों का जत्था श्रद्धालुओं के लिए समस्या बन गया है। धाम के गेट नंबर 4 पर वीआईपी गाड़ियां खड़ी होने से जाम लग जाता है, लेकिन वहां मुस्तैद पुलिसकर्मी बेपरवाह नजर आते हैं, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। किनारे पर जो गाड़ियां खड़ी रहती है कभी उसके बारे मेन कारण वही कारण है। आपको ये भी बता दें कि एबीपी गंगा लगातार इस लापरवाही की खबर दिखा रहा है, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है।
यहां तक कि गाइडलाइंस को ताक पर रखकर यहां तैनात पुलिसकर्मी बिना मास्क के नजर आते हैं। और इसी बीच वाराणसी से बड़ी खबर, जहां एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम के बाहर लापरवाही का मामला, जहां लापरवाही पर मंडल कमिश्नर ने संज्ञान लिया है। नए साल में पार्किंग की व्यवस्था होगी। कौशल राज शर्मा का ये कहना है, नए पार्किंग स्थल की तलाश हो रही है, मास्क को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के अमीन सर्वे कराने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मथुरा की जिला कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार को आए सर्वे के आदेश को ओवैसी ने गलत करार दिया। सिविल डिस्प्यूट में अगर कोई सर्वे होता है तो लास्ट रिसोर्ट होता है। आप पहला रिसोर्ट में सर्वे कर रहे हैं, आप वहाँ की ईदगाह ट्रस्ट के लोग इस गलत ऑर्डर के खिलाफ वो अपील करेंगे। ओवैसी के सर्वे पर एतराज से अब संत समाज में नाराजगी बढ़ गई है। यह है छोटा जिन्ना है, अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब जनता इसको दौड़ा दौड़ा करके चौराहों पर पीटेगी। दरअसल हिंदू सेना की याचिका पर मथुरा की जिला अदालत ने शनिवार को अमीन सर्वे के आदेश देकर 20 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी थी। पूरा विवाद मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बना है, बाकी 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। याचिका में ईदगाह मस्जिद हटाकर जमीन हिंदू पक्ष को देने की मांग की। 1968 में जमीन को लेकर हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग। हिंदू पक्ष का दावा, औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह बनाई। इस विवाद को लेकर मथुरा कोर्ट में 12 से ज्यादा मामले चल रहे हैं, लेकिन सर्वे के आदेश पर अब नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल गांधी सोमवार सुबह दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। कड़कड़ाती सर्दी में भी राहुल ने कोई जैकेट नहीं पहना था, वो सिर्फ टी शर्ट में नजर आए। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी पर नाटक करने का आरोप लगाया। जब वो व्यक्ति जाएगा जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सोच रखता है तो आत्मचिंतन की आवश्यकता जरूर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अटल बिहारी वाजपेयी पर किए गए ट्वीट पर राहुल गांधी से माफी की मांग की है। जब जिंदा थे तो उनकी राष्ट्रभक्ति पर, उनके संकल्प पर और उनकी सोच पर कितनी भोंडी तरह से, कितनी बेशर्मी के साथ उसका अपमान खुद इनकी माताजी करती थी, खुद कांग्रेस पार्टी किया करती थी। भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने सोमवार को अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने गौरव पांधी के ट्वीट को खुद से अलग करते हुए इसे पार्टी का आधिकारिक स्टैंड होने से इनकार किया। टीवी एक्ट्रेस तनिषा शर्मा की मौत के बाद इसमें लव जिहाद का एंगल भी सामने आ रहा है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। तनिषा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने सोमवार को बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में शीजान खान ने उम्र और धर्म की वजह से तनिषा के साथ ब्रेकअप की बात मानी है। उसने बताया कि तनिषा भी अलग होना चाहती थी, जिसके बाद पुलिस ने लव जिहाद एंगल से इस मामले की जांच शुरू कर दी है। एक्ट्रेस की मां ने उसके बॉयफ्रेंड के लिए कड़ी सजा की मांग की है। महाराष्ट्र के भाजपा विधायक ने आत्महत्या को लव जिहाद वाले एंगल से देखने की बात की है और इसे रोकने के लिए लव जिहाद बिल को जरूरी बताया है। मुझे लगता है जिस तरह से घटना घट रही है उसमें लव जिहाद का एंगल सामने दिखाई आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभू राजे देसाई ने भरोसा दिलाया है कि सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून लाएगी और जो भी इसके लिए दोषी है उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। उधर पुलिस ने तनिषा शर्मा और बॉयफ्रेंड शीजान खान के फोन और लैपटॉप को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। साथ ही एक्ट्रेस की बॉडी से मिले गहनों और कपड़ों को भी लैब भेजा गया। पुलिस के मुताबिक तनिषा के शव के गले पर जो ब्लड मिला था उसकी भी जांच की जाएगी। तनिषा शर्मा का मंगलवार शाम 4 बजे मुंबई में ही अंतिम संस्कार किया जाना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।